चलिए अब स्टडी करते हैं फंक्शन ऑफ सीआरओ। फंक्शन देखिए क्या क्या फंक्शन है सीआरओ में। फर्स्ट आप देखिए डिस्प्ले ऑफ वेव्स, यानी सीआरओ के यूजर के आप वेव्स उसको भी डिस्प्ले कर सकते। सेकेंड है आपका मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज एंड करेंट, यानी आप विद द हेल्प ऑफ सीआरओ कैन मेजर द वोल्टेज एंड करेंट ऑल्सो। ठीक है, आप इसे वोल्टेज और करेंट मेजरमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं सीआरओ। नेक्स्ट आपका मेजरमेंट ऑफ फ्रिक्वेंसी एंड टाइम स्लैश टाइम पीरियड, यानी फ्रिक्वेंसी स्लैश टाइम पीरियड लिखने का मतलब ये है कि फ्रिक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। यानी आपने टाइम पीरियड निकाल दिया तो फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं, या आपने फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट कर लिया तो टाइम पीरियड निकाल सकते हैं किसी भी वेव शेप का। तो नेक्स्ट अभी यहाँ पर हमने फ्रिक्वेंसी स्लैश टाइम पीरियड लिखा हुआ, तो ये मेजरमेंट ऑफ फ्रिक्वेंसी स्लैश टाइम पीरियड, यानी फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड का भी मेजरमेंट हम सीआरओ के थ्रू कर सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ फेज डिफरेंस, यानी इस फेज डिफरेंस भी हम क्या कर सकते हैं सीआरओ का यूज करके मेजर कर सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ पावर एंड पावर फैक्टर, किसी भी चीज़ का पावर और पावर फैक्टर किसी सिग्नल का निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं सीआरओ के यूज करके पावर और पावर फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स, यानी सीआरओ थ्रू आप मॉड्यूलेशन इंडेक्स भी मेजर कर सकते हैं। मॉड्यूलेशन इंडेक्स जनरली हम कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बात करते हैं, यहाँ पर मॉड्यूलेशन होता है फाइंड आउट करने के लिए डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन। ठीक है, और कंपैरिजन ऑफ टू फ्रीक्वेंसी को आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं। कंपैरिजन ऑफ टू वेव सेट्स को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। स्टडी ऑफ लिसाजिस पैटर्न, यानी ये सीआरओ थ्रू आप लिसाजिस पैटर्न का भी स्टडी कर सकते हैं। बेसिकली लिसाजिस पैटर्न का स्टडी करते हैं एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी और फेज डिफरेंस के लिए। इसका टेस्टिंग ऑफ टीवी रडार एंड अदर इक्विपमेंट, यानी टीवी को ट्रबल शूटिंग, रडार में ट्रबल शूटिंग और अदर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को ट्रबल शूटिंग या कहीं पर कोई इशू है तो विद द हेल्प ऑफ सीआरओ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कंपोनेंट की बात करें तो कंपोनेंट ठीक है या नहीं, खराब हो चुका है तो आप विद द हेल्प ऑफ सीआरओ फाइंड आउट कर सकते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आपका जैसे डायोड है, ट्रांजिस्टर है, रजिस्टर है, कंपोनेंट वगैरह फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका कंपोनेंट ठीक है या खराब हो चुका है। तो स्टडी ऑफ स्ट्रेसिस कर मैग्नेटिक मटीरियल में हम स्ट्रेसिस कर्व की स्टडी करते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ सीआरओ स्ट्रेसिस कर्व का स्टडी आप सीआरओ कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टडी पल्स विड्थ एंड पल्स डिस्प्ले। पल्स विड्थ और पल्स डिस्प्ले के लिए भी आप सीआरओ का यूज कर सकते हैं। तो हम अभी तक क्या क्या पढ़ा हमने, व्हाट इज सीआरओ एंड फंक्शन ऑफ सीआरओ। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज मैं दो छोटे छोटे मैं क्लिप बना के आपको अपलोड कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आए तो आप सर्विस आप चैनल को सब्सक्राइब कर और लाइक कर देना, शेयर कर देना। ठीक है, आज के लिए इतना ही।